तो बेटा ये मैंने एक अलग से टैग लगाया, मैंने ये अलग लाइन में दिखाने के लिए आपको। तो इसको अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं, देखिए इसका आउटपुट ये आ ही रहा है पहले से। अगर आपको ये जो थोड़ा सा नहीं है तिरछा सा आ रहा ना, इसके लिए आप इटैलिक यानी कि इम्फेसाइज का यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपने देख सीख लिया इटैलिक का। ई एम लिख सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक काम करती हूँ, ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, इम्फेसाइज और इटैलिक आपके एक ही है। ठीक है बच्चे, अब जो मैं करती हूँ मैं नेक्स्ट लाइन से ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ मैं ले लूँगी अलग से पैराग्राफ लगाया, दिस इज ये। अगर हम लगाती हूँ मैं यहाँ पर टैग बार, यहाँ मैं लिख दूंगी डेमो, इसको मैंने सेव किया। अब देखिए हाँ ये होगा हमारा हाईलाइटर। देखो बेटा ये येलो येलो कलर आ रहा है, जैसे हम बुक्स में या कॉपी में अपने जो हमें हाईलाइट करना होता है उसका हम येलो कलर का स्केच कर देते हैं ना, तो इससे आप लोग इजीली अपने लिखे हुए को हाईलाइट कर सकते हैं। जनरली सिर्फ हाईलाइट करने के लिए होता है। इसके बाद अगला हमारा जो टैग है वो है स्मॉल। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को छोटा करना हो, स्मॉल दिखाना है मतलब, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैग यूज करूंगी स्मॉल। यहाँ से डेमो हटा दूंगी मैं। देखिए अभी मैं इसको सेव करती हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब इसका मैं आउटपुट दिखाती हूँ आपको। तो बच्चे जनरली जो है हमारे टैक्स को स्मॉल करने के लिए होता है। ठीक है यार, स्मॉल छोटा है ना। ये स्मॉल टैग हमने लगाया है। इसके बाद में अगर हमें डिलीट करना है कुछ, अगर हमें डिलीट के लिए डिलीट करना है तो डिलीट के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे टैग, इसको बीच में लिख देंगे डेमो। ठीक है, देखिए मैंने सेव कर लिया। अब देखेंगे इसका आउटपुट, ये कुछ इसे मैं हटा देती हूँ बच्चे, यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ आ गया है शायद, ये आ रहा है वो। तो देखिए जो भी हम लिखेंगे वो भी आएगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करती हूँ। ये देखो स्ट्राइक थ्रू का एक साइन आ जाता है। यहाँ पर आप कोई चीज़ को करेक्ट करके दिखाना हो, आपने देखा होगा शॉपिंग साइट में बहुत बार दिखाते हैं एमआरपी 500 है और ऑफर ऑफर आपको 400 का है, तो 500 को उसको क्रॉस थ्रू कर देते हैं, तो वो चीज़ इससे होती है। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है INS इंसर्ट, उसको हम ऐसे लिखेंगे। इंसर्ट INS टैग INS, यहां मैं डेमो लिख लूंगी।
इंसर्टेड का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर हमें एक अंडरलाइन मिल जाती है। तो कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको हाईलाइट करना हो, इंसर्टेड दिखाना हो, तो आप INS का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप U का भी यूज़ कर सकते हैं ना, अंडरलाइन। मैं आपको दिखा देती हूँ वो भी बनाकर। ये देखेंगे आप, अभी मैं आपको वापस से डबल पैराग्राफ लगा के इसलिए दिखा रही हूँ बच्चे कि ओके। यहाँ पे टैग लगा लेते हैं मैं यू, अंडरलाइन तो नॉर्मली हम बोलते ही हैं। इसको मैं सेव करके दिखा देती हूँ आपको। सेव कर लिया, देखिए सेम दोनों में वही हो रहा है ना। इंसर्टेड का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, डेमो उसका अंडरलाइन का भी। ओके नेक्स्ट हम लगाते हैं, देखिए देखिए एक, अब इसके बाद में जो मैं टैग लगाऊंगी, एक तो है हमारा सब, पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ बेटा। ओके यहाँ पे मैं लगाती हूँ सब, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सब, फिर मैं यहीं पर हैंड टू हैंड लगा देती हूँ आपका। सब SUP ऊपर तो था हमारा SUB, ये हमारा SUP। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेमो। पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखा दूँ। फर्स्ट टाइम हमारे पास सब स्क्रिप्ट, सेकेंड है सुपर स्क्रिप्ट। अब दोनों क्या काम करता है ये देखिए, ये देखिए डेमो जो है सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट में जो थोड़ा नीचे आ गया, नीचे हो जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट में थोड़ा सा डेमो ऊपर हो जाता है। ये जो बच्चे, ये जब हम स्क्वायर लगाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, उसमें हम जब जो आधार लगाते हैं ना बेस, तो उसमें आप उसका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देती हूँ आप लोग ये, ओके यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे हमने लगाया, पहले मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ सब स्क्रिप्ट SUB। मैंने यहाँ पर लिखा ओके 10, का आधार हम 6 दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं देखो सिर्फ नीचे वाला भी बना के दिखा देती हूँ आपको, सुपर स्क्रिप्ट के साथ ही Ctrl-V SUP है ना, पहले SUB है फिर SUP, P फॉर पैरट SUP। ये टैग का बेटा ध्यान रखना है आप लोगों, एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 10 का 6। इनका आउटपुट आप लोग देखेंगे अभी, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए ओके बेटा थोड़ी सी वापस से मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए बस। ये 6 आ गया, यहाँ पर मैं 6 दे दिया,
यहाँ हम लिख देंगे 10, और यहाँ पर भी हम लोग 6 दे देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ठीक, अभी मैं इसको सेव करती हूँ, अब देखेंगे आप लोग उसका डिफरेंस। देखिए यहाँ तो आपका ये आधार बन रहा है, 10 का नीचे आ रहा है, 6 यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो ये सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का भी आप टैग यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लिखने के लिए वहां पर हम इसको यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। या फिर आपको टेम्परेचर दिखाना हो, डिग्री सेल्सियस दिखाना हो, जो डिग्री वाला साइन है वो अगर लगाना हो, इनसे आप वो लगा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो बेटा इसमें आपके फॉर्मेटिंग के सारे टैग आ गए, बेसिक टैग्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टैग बेटा आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको एग्जांपल के साथ में दिखाया है वीडियो। ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, तो ये टैग आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, सारे टैग जितने भी हैं अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे।